नमस्कार दोस्तों, अभी अपन देखेंगे एसीएफ एनवायरनमेंट में डीफॉरेस्टेशन का जो टॉपिक है आपके यूनिट सेकंड में, उस पर अभी चर्चा करेंगे कि डीफॉरेस्टेशन जो है उसके क्या क्या कारण हैं, किसके कारण डीफॉरेस्टेशन यानी निवनीकरण, वनों की कटाई किसके कारण ज्यादा हो रही है, ये कारण अपन देखेंगे। और ये जो कारण है इन पर इनके कारण पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, निवनीकरण के कारण डीफॉरेस्टेशन के कारण पूरे विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तथा डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर व वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं सरकारों के द्वारा, उनको अभी अपन देखेंगे। तो ये जो यूनिट सेकंड है ये चालू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट में अपन ने यूनिट फर्स्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, अभी अपन यूनिट सेकंड का ये अपना तीसरा लेक्चर है जो है उसका मतलब है वनों का लुप्त होना। यूनिट सेकंड में डीफॉरेस्टेशन का मतलब है वनों का धीरे धीरे लुप्त होना, ही क्या कहलाता है, डीफॉरेस्टेशन कहलाता है। वनों का लुप्त होना ये क्या कहलाता है, डीफॉरेस्टेशन कहलाता है। यानी वन जितने हैं उनकी, वनों की जो संख्या है उसमें कमी आ जाए, धीरे धीरे वन क्षेत्र जो है वो समाप्त होते जाए, तो उसी को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफोरेस्टेशन जो है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका पहला कारण तो है डिफोरेस्टेशन का प्रथम कारण है भूमि सुधार करना। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार अपन किस लिए कहेंगे, भूमि सुधार अपन करेंगे कृषि विकास हेतु। किस लिए, कि अपने को कृषि क्षेत्र जो है वो ज्यादा बढ़ाना है, इसलिए अपन क्या करेंगे वनों को काटेंगे, इसलिए वन जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। दूसरा कारण इसका है व्यवसायिक कारण, व्यवसायिक कारण। व्यवसायिक कारण क्या, व्यवसायिक क्षेत्र जो है उनके लिए वनों की आवश्यकता होती है, जैसे अपन औद्योगीकरण करना या फिर निर्माण कार्य, जितने भी निर्माण कार्य हैं उसके लिए क्या है लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो निर्माण कार्य के लिए या फिर नई कॉलोनी जब बसती है तो नई कॉलोनियों को के बसने के लिए वनों को काटा जाता है, और उस क्षेत्र से जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको वहां से रिमूव किया जाता है निर्माण कार्य के लिए। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, शहर बढ़ेंगे तो उस क्षेत्र के वन क्षेत्र जो है वो उनको वहां से काटा जाएगा और वहां पर नई कॉलोनी का निर्माण होता है। चौथा है, तीसरा है आपके नगरीकरण। नगरीकरण, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे वनों का विनाश होता जा रहा है। इसमें चौथा है आपके वनों में लगने वाली आग, वनों में लगने वाली आग। वनों में प्राकृतिक कारणों से वनों में आग लगती है, जिससे वन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वनों की आग बहुत बड़े क्षेत्र पर लगने लगती है। वर्तमान में अभी लेटेस्ट में आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग, दूसरा अमेजन वर्षा वनों में लगी आग। तो ये जो आग है इसके कारण क्या होता है, वन बहुत बड़े क्षेत्र पे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये है इसके मुख्य कारण। इसके अलावा अगर अपन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों के विनाश के कारण देखें तो वो अलग है। पहले तो ये है कि अपन भूमि सुधार के द्वारा, व्यवसायिक कारण के द्वारा, नगरीकरण के द्वारा और वनों में लगने वाली आग के कारण डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब इसमें अपन देखेंगे डायरेक्ट रीजन एंड इनडायरेक्ट रीजन ऑफ डिफोरेस्टेशन। प्रत्यक्ष कारण,
और दूसरा है अप्रत्यक्ष कारण, प्रत्यक्ष कारण तथा अप्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण जो अपना डायरेक्ट यानी डायरेक्ट वनों को काटा जाए तो उसे प्रत्यक्ष कारण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कारण में जैसे झूम कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि, झूमी कृषि या स्थानांतरित कृषि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर वनों को काट करके और वहां पर कृषि की जाती है, वो थोड़े समय के लिए की जाती है, फिर उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़कर अगले जो वन क्षेत्र है उनको काटकर वहां पर खेती की जाती है, तो इससे क्या होता है वनों का धीरे धीरे विनाश हो जाता है। दूसरा है अतिचारण, अतिचारण के कारण भी क्या होता है वन क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वनों की आग, वनों की आग भी एक क्या है प्रत्यक्ष कारण है वनों के नष्ट होने का। नदी प्रोजेक्ट जैसे बांध निर्माण या फिर पन बिजली घर जो है वो स्थापित करना, जिसके कारण भी वन नष्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ईंधन लकड़ी औद्योगिकीकरण, ये जो कारण है ये क्या है इनके डिफोरेस्टेशन के डायरेक्ट कारण है। अवैध कटाई, ये सारे क्या है प्रत्यक्ष कारण। अप्रत्यक्ष कारण की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की बढ़ती मांग, जैसे जैसे संसाधन की आवश्यकता बढ़ेगी वैसे वैसे वन क्षेत्र जो है उस पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा सैनिक उद्देश्य से वनों को अगर काटा जाए, जैविक कारक, इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं वनों। इसके अलावा तकनीकी विकास, जैसे जैसे तकनीकी विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे वन जो है वन क्षेत्र वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो ये सारे कारण कौन से हैं, ये कारण है आपके प्रत्यक्ष कारण तथा अप्रत्यक्ष कारण। अब वनों का जो विनाश हुआ है उसके लिए महाद्वीप स्तर पर क्या क्या कारण रहे जिसके कारण वनों का विनाश हुआ है, तो उसमें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कारण रहा है मशीनीकरण, पेपर, लकड़ी की डिमांड होना, ये कारण कहां अमेरिका में डिफोरेस्टेशन के ये कारण रहे हैं। एशिया महाद्वीप में कृषि या फिर एग्रीकल्चर क्षेत्र बढ़ाना, यूरोप में चारकोल प्राप्त करना, इसके अलावा पल्प, पेपर, जहाज निर्माण भी कहां पर यूरोप में इसका एक कारण रहा है नवीकरणीकरण। विश्व में प्रतिवर्ष 13.7 मिलियन हेक्टर वन नष्ट हो रहे हैं, यानी प्रतिवर्ष इतने क्षेत्र के वन जो है वो क्या हो जाते हैं प्रतिवर्ष नष्ट हो जाते हैं। विश्व के शीर्ष ऐसे देश जहां पर सबसे ज्यादा निवनीकरण हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ है, तो वो देश है विश्व में सर्वाधिक डिफोरेस्टेशन वाले देश, तो ये देश हैं दक्षिणी अफ्रीका,
इंडोनेशिया, कनाडा, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, ब्राजील ये जो देश हैं यहां पर लगभग 60% वन जो है वो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। इन देशों में जो वन उपलब्ध थे उन वनों में 60% की कमी आ गई है। ब्राजील के जो वर्षा वन है वो नष्ट हो चुके हैं। दक्षिणी अफ्रीका में भी इनमें बहुत कमी आई है, दक्षिणी अफ्रीका में 90% की कमी आई है। साउथ अफ्रीका में के जो रेन फॉरेस्ट है उनमें 90% की कमी आई है। इंडोनेशिया जो है वहां पर 72% की, इंडोनेशिया यहां पर जो रेन फॉरेस्ट है इनमें 72% की कमी दर्ज की गई है। तो ये जो देश है वहां पर क्या हो रहा है, निवनीकरण ज्यादा हो रहा है। एनएफसीसी के अनुसार, यूएनएफसीसी के अनुसार निवनीकरण के कारण, यूएनएफसीसी क्या है, यूनाइटेड स्टेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके अनुसार निवनीकरण के में पहला कारण है कृषि, एग्रीकल्चर इसमें पहला कारण बताया गया है। दूसरा कारण है लॉगिंग और तीसरा कारण है फ्यूल। तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में निर्वाह कृषि इसमें 46% योगदान दिया है निवनीकरण में, और वाणिज्यिक कृषि इसके कारण 32% वन जो है वो नष्ट हुए हैं। लॉगिंग के कारण 14% वन नष्ट हुए हैं तथा फ्यूल के कारण 5% ईंधन वन जो है वो नष्ट हुए हैं। ईंधन के कारण कितने, 5%। लॉगिंग यानी जो निर्माण कार्य के लिए जो लकड़ी उपयोग ली जाती है उसे लॉगिंग कहा जाता है, तो उसके कारण 14% वन जो है वो नष्ट हुए हैं। अब निवनीकरण जो है इसके कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं पूरे विश्व में, डिफोरेस्टेशन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं, इसके कारण उत्पन्न समस्याओं में पहला कारण है CO2 की मात्रा में वृद्धि होना, और CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है तो क्या हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा में भी वृद्धि हुई है, और इससे क्या हुआ है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन हुआ है, इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन, इससे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण है निवनीकरण से मृदा अपरदन, इससे क्या हुआ है, मृदा अपरदन बढ़ रहा है। मृदा अपरदन बढ़ेगा तो क्या होगा, मृदा अपरदन बढ़ेगा तो जो नदी क्षेत्र है नदी क्षेत्र में मिट्टी जमा हो जाएगी और वहां क्या आएगी, बाढ़ आएगी, क्योंकि नदी जो है वो अपना रास्ता छोड़ देगी, क्योंकि इस रास्ते में क्या जाएगा, मिट्टी का जमाव हो जाएगा मृदा अपरदन के कारण, और इससे क्या होगा, बाढ़ आएगी। बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ आने से जो कृषि क्षेत्र है वो पूरा नष्ट हो जाता है। दूसरा इसका कारण है, इससे उत्पन्न समस्याएं हैं मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण होने से क्या होगा, मरुस्थलीकरण होने से जो कृषि क्षेत्र है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और इससे जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन हो जाता है, यानी इसके कारण स्थानीय जनता का पलायन होगा।
ठीक है, तो ये इससे उत्पन्न समस्याएं हैं। छठी समस्या है मृदा निर्माण में कमी आना। वन क्षेत्र जो है, वन क्षेत्र से जो पत्तियां गिरती हैं वो ह्यूमस का निर्माण करती हैं और ह्यूमस से ही नई मृदा का निर्माण होता है, मृदा का उपजाऊपन इससे बना रहता है। निम्नलिखित के क्या कारण क्या हुआ है, मृदा की जो निर्माण होने की क्षमता है उसमें धीरे धीरे कमी आती है, तो ये कारण है डिफोरेस्टेशन के कारण जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, ये वो समस्याएं। वो कौन से उपाय किए गए हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी किए हैं और वैश्विक स्तर पर भी इसको रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं हाल ही के वर्षों में। निवनीकरण को रोकने हेतु उपाय, निवनीकरण रोकने हेतु सबसे पहला उपाय जो है वो तो है कि अधिक तेजी से वृद्धि करने वाले वृक्षों को लगाना, अधिक तेजी से वृद्धि करने वाले वृक्षों का रोपण करना। वैसे एक वर्ष के पूरे वृक्ष के निर्माण के लिए 50 साल लग जाते हैं, लेकिन अपने को ऐसे पौधे लगाने हैं जो जल्दी वृद्धि करते हों, उससे क्या होगा, निवनीकरण की जो समस्या है यानी जिस दर से वन कट रहे हैं उससे अधिक दर से अपन वन लगाएंगे तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। दूसरा है जन जागृति फैलाना, जन जागृति, तो इसमें एक उदाहरण है चिपको आंदोलन जो कि बिश्नोई समाज के द्वारा शुरू किया गया है और उनका उद्देश्य है अधिक से अधिक वनों का संरक्षण करना, वनों को कटने से रोकना, ये इस समाज का उद्देश्य है। तीसरा है सरकारी नीतियां, सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा वनों के को लगाने के लिए सरकारी नीतियां बनानी चाहिए। इसके अलावा जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण किए जाते हैं, वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित किए जाते हैं, तो उससे भी वनों का संरक्षण होता है। आखेट निश्चित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर वनों की कटाई को निषेध किया गया है, ऐसे क्षेत्र गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए। चौथा है तकनीकी विकास, तकनीकी विकास किया जाना। सरकारी नीतियों में एक नीति है उज्ज्वला योजना, इसके द्वारा भी ईंधन लकड़ी जो उपयोग की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें धीरे धीरे कमी आई है। तकनीकी विकास के द्वारा भी निवनीकरण को रोका जा सकता है। इसके अलावा संसाधनों का पुनर्उपयोग यानी किसी भी चीज को रिसाइकिल करना, रिसाइकिल रीयूज, इससे धीरे धीरे संसाधनों पर कमी आएगी। जैसे अखबार है, अखबार के पेपर को वापस रिसाइकिल करके उसी को वापस अखबार निर्माण के लिए काम में लेना, तो इसके द्वारा निवनीकरण की समस्या है उसको उससे निजात पाया जा सकता है। फिर छठा है ग्लोबल एक्शन प्लान, ग्लोबल एक्शन प्लान विश्व स्तर पर एक प्लान बनाया गया जिसके तहत निवनीकरण जो है उसको रोकना तथा अधिक से अधिक वनों का विकास करना। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो अधिक से अधिक वन लगाने को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे अपन बात करें ग्रीन पीस, कूल अर्थ, अमेजन बात, इसके अलावा कई सारी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा डिफोरेस्टेशन जो है वो रोकने के उपाय किए गए हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट इंटरनेशनल, अफ्रीकन फॉरेस्ट कंजर्वेशन कम्युनिटी, कैनेडियन फॉरेस्ट्री एसोसिएशन जो कि 1865 में स्थापित की गई थी, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल कनाडा में है, रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क या फिर आर एन
रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क, रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट 1988 में गठित किया गया था। तो ये जो संस्थाएं हैं ये विश्व स्तर पर डिफोरेस्टेशन को रोकने हेतु और जन जागृति फैलाने हेतु कार्य कर रही हैं। भारत में वन संरक्षण हेतु अनसेड तथा वन मंत्रालय के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य किया जा रहा है। भारत में कौन सी संस्था है? भारत में अनसेड वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2018 में, 2018 में फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया। कौन सा प्रोग्राम? फॉरेस्ट प्लस 2.0। और यही प्रोग्राम 2012 से 2015 तक ये प्रोग्राम चला। 2012 से 2017 तक फॉरेस्ट प्लस 1.0 के रूप में। और इसका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। इसके अलावा जो UNSPF है, UNSPF यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, इसके द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है वैश्विक स्तर पर वन जो है उनको 30% करना। और इसका लक्ष्य है 2030 तक वन जो है वो 30% पूरे विश्व में करना। इसके अलावा 4 बिलियन हेक्टर तक वन जो है वो विकसित करना, ये लक्ष्य किसका है? UNSPF का लक्ष्य है। लक्ष्य इसका क्या है? इसका लक्ष्य है वर्ष 2015 से 2030 तक संपूर्ण विश्व में 30% भूमि पर वन विकसित करना। कितने प्रतिशत? 30% भूमि पर वन विकसित करना, या फिर 4 बिलियन हेक्टेयर। 30% भूमि या फिर क्या है? 4 बिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनों का विकास कर। तो इसके लिए इसने UNSPF ने 6 गोल निर्धारित किए हैं और साथ में ही 26 टारगेट निर्धारित किए हैं। 6 गोल तथा 26 टारगेट निर्धारित किए हैं किसके द्वारा? UNSPF के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ताकि पूरे विश्व में 30% भूमि पर वन लगाए जाए या फिर 4 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वनों का विकास किया जाए। तो ये है डिफोरेस्टेशन का पूरा आपका चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।